दिस इज वेरी एक्साइटेड डे और एक्साइटेड वीडियो होने जा रही है बिकॉज इट इज इन पूल। हाँ, आज आप लोग पूल देखोगे। हमारी गार्डन एक्टिविटीज में पूल एक्टिविटी भी है, हम पानी में एंजॉय करते हैं। आ जाए आप देखें, एंजॉय करें। चिलर है ये, और इससे जो टेम्परेचर जो सेट किया हुआ है वो 31 है। यस, थर्टी वन टेम्परेचर इस पानी का है, और राइट नाउ जो टेम्परेचर बाहर का है वो 38 है। और ये स्टेप्स हैं, अंदर जैसे जाएंगे तो स्टेप्स से ये नीचे उतरेंगे। और ये फाउंटेन्स जेट्स ऑन करते हैं, या ये फाउंटेन्स हैं और ये मसाजर्स हैं। आगे आ जाओ, ये फिल्टर है। यहाँ पे फिल्टर हफ्ते में जो फिल्टर है वो हफ्ते में एक दफा साफ करना होता है, कभी एक दफा भी दो दफा भी कर लेते हैं। कंडीशन देखेंगे पानी की, और फिर एक दफा, तीन महीने में एक दफा ये फिर पानी इसका चेंज किया जाता है। या अगर तीन महीने में भी ये पानी साफ है, फ्रेश क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर वाटर है, तो तब भी जरूरत नहीं है कि पानी चेंज किया जाए। ये जो ये फाउंटेन्स हैं और ये मसाजर्स हैं, लाइक आप बैठे हो, सीट पे बैठे हो, बैक मसाज मिल रहा है इस मसाजर से। तो ये जो प्रेशर है, वाटर प्रेशर जो है वो आपको इसका मसाज भी दे रहा है। आप चेक कर सकते हो उसमें टू सीट्स हैं, एक ये सीट है, एक ये सीट है, और ये भी सीट है, और यहाँ आप लेट भी सकते हो, मजे से लेट सकते हो, बैठ सकते हो, खेल सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। तो मजे की है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी एक्टिविटी मिल गई है। सिस्टम है जकूजी का, उसमें टेम्परेचर आप इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन ठंडा पानी करने के लिए हमें चिलर चाहिए होता है। तो क्लोरीन इसलिए भी डाली जाती है पानी में, पूल में, कि जो जर्म्स हैं वो ग्रो ना करें। और वैसे पानी में ई कोलाई है, सेमोलिना, टाइफी है, तो ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं। और यस, वन मोर, जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है, नेग्रिया फ्लोरी नाम है इसका, और ये वार्म फ्रेश वाटर में ग्रो करता है। और अगर पानी स्टैग्नेंट है, स्टैग्नेंट रुका हुआ पानी है, वार्म इवन फ्रेश वाटर भी है लेकिन रुका हुआ है और वार्म है, तो ये मीडियम इसको मिलता है। आपको बताती चलूँ आप सबको कि पूल, जकूजी, इसमें पानी मेंटेन रखना, इसका मतलब पीएच, वाटर पीएच रखना कितना ज़रूरी है। आपका 7.2 टू 7.6 वाटर पीएच होना चाहिए। क्लोरीन ना तो कम हो ना ज़्यादा हो, कम होगा तब भी स्किन रैशेस हैं, इरिटेशन है आइस में, ज़्यादा है तब भी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगे, डिजीनेस है, वोमिटिंग आएगी, पेट ख़राब होगा। तो पीएच, वाटर पीएच बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि नॉर्मल हो, ना तो एसिडिक हो ना अल्कलाइन हो। ज़्यादा क्लोरीन होगा तो पानी एसिडिक हो जाएगा, कम क्लोरीन है तो अल्कलाइन है। जैसे आपको चिलर का बताया मैंने, आपको जकूजी दिखाई, फिर नेग्रिया फ्लोरी अमीबा बताया कि ये वार्म फ्रेश वाटर में होता है, और ये वार्म वाटर किसे कहते हैं, बेसिकली वार्म वाटर जो होता है उसका टेम्परेचर जो होता है वो 36 डिग्री आप कह लो, 35-36 डिग्री से वार्म वाटर होता है उसे कहते हैं। हम इश्यूज आते हैं उसमें, ड्राई स्किन होती है, बाल जो है वो डैमेज करता है क्लोरीन ज़्यादा होने की वजह से या कम होने की वजह से। स्किन प्रॉब्लम्स आती हैं, सांस में प्रॉब्लम आती है, या पेट ख़राब होता है, इससे हैं जब वाटर पीएच नॉर्मल नहीं है। ना पानी एसिडिक होना चाहिए, ना पानी अल्कलाइन होना चाहिए, इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है।
यही चीज मेंटेनेंस से आती है, मेंटेन यही चीज करनी है। अगर आपके पास जकूजी है या पूल है घर में, तो नहीं खुद कर रहे तो एक्सपर्ट रख लो, इजी हो जाएगा काम। वेल चले, मुझे इजाजत दें, मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, वॉच करना है, पूरी वॉच करनी है, और टेक केयर, बाय बाय।